हो गया। तो यहाँ पे देखिए कापी निकाल लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए सबके पहले मदरबोर्ड के बारे में अभी लिखते जाइएगा आप लोग। अभी तुम लोग मत लिखो, बाद में उसको देख के लिख लेना। यहाँ देखिए मदरबोर्ड है, तो कल हम बताए थे मदरबोर्ड क्या होता है। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कहाँ लिखे? अरे सर कल नहीं आए। कोई नहीं लिखे हो? लिखे और लिखा। देखिए तो यहाँ पे देखो लिखवाया गया है कि मदरबोर्ड कल क्या होता है। तो ये मदरबोर्ड है सब, तो एक लाइन में कहोगे कि मदरबोर्ड ये क्या होता है, मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जिसपे सभी इनपुट आउटपुट एंड पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। तो एक लाइन में अगर आ जाए कि मदरबोर्ड क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे कि मदरबोर्ड जो होता है एक मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का, जिसपे सारे इनपुट्स आउटपुट पेरिफेरल्स डिवाइस लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। हमने लिखवाया था कि मोट मदरबोर्ड वो होता है जिसपे बहुत सारे सॉकेट क्या दिए रहते हैं, सॉकेट, ठीक, सॉकेट, स्लॉट, ये सब स्लॉट है, क्या है, स्लॉट, पोर्ट्स है ना, कनेक्टर्स, आईसीज, ये सब क्या है, आईसी है। तो आगे अभी बताएंगे कौन आईसी कौन है, कैसे पहचानेंगे आईसी। बहुत सारे जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस लगते हैं सब क्या होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। तो एक लाइन में कोई पूछ दे कि एक लाइन में बताइए व्हाट इज मदरबोर्ड, कोई पूछ दे एक लाइन में पूछ दे कोई क्या होता है मदरबोर्ड, कोई तो एक लाइन में जवाब क्या तुम दोगे, कोई पूछ दे व्हाट इज मदरबोर्ड, तुम बताओ हमने क्या कहो। मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है इनपुट आउटपुट, हाँ एक लाइन में, मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, रैम, आल इनपुट आउटपुट एंड पेरिफेरल डिवाइस लगती है, उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। एक लाइन में क्या कहोगे, मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, ये है रोम, ये देखिए रोम चिप है, यही प्रोग्रामिंग किया जाता है बायोस। तो रोम ये देखिए, इसमें इस तरह रोम है, इसमें देखिए 8 पिन का कहीं दिया होगा, बायोस, बायोस ये देखिए, ये रोम है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी रोम होता है, इसमें दो बायोस दिया है, किसी किसी मदरबोर्ड में दो दो बायोस होते हैं, ये देखिए बायोस 1 बायोस 2, ठीक है। इसमें देखिए हर मदरबोर्ड में जितनी मदरबोर्ड आती है सब में क्या होती है, अब देखिए जो मदरबोर्ड हो रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए ये आईसी टाइप में आ गया 8 पिन का, ये 8 पिन का आईसी है, ये बायोस है। तो एक लाइन में कहोगे ये देखिए लेटेस्ट सबसे नया बोर्ड कौन है, H110, इस पर कोर i3 कोर i5, देखिए यहाँ पे जो है ना ये पूरा सेट जो है इतना, ये 15,000 का होगा, कितना का होगा, केवल 3,000 का ये रैम आएगा, 8 GB, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है कोर i3 है, इस पर कोर i5, अगर कोर i7 होगा 8,000 का केवल प्रोसेसर आएगा, और ये मदरबोर्ड 5,000 का आएगा। क्यों इसका नाम अधिक है, क्योंकि इस पर PCI स्लॉट है, क्या है, PCI स्लॉट। तो सबसे महंगा बोर्ड, इसमें जितना बोर्ड दिख रहा है सबसे महंगा बोर्ड कौन है, ये बोर्ड। तो इसमें हम बताएंगे कैसे पहचानेंगे कौन अच्छा बोर्ड है कौन खराब है। तो एक लाइन में अगर कोई पूछ देता है मदरबोर्ड क्या होता है, जवाब दे दोगे कि मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिसपे रैम, माइक्रो प्रोसेसर, रोम है ना, सभी पोर्ट, सभी स्लॉट, सभी कनेक्टर अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। एग्जाम में आया तो मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि मदरबोर्ड जो होता है, मदरबोर्ड को कौन कितने नाम होते हैं, तो मदरबोर्ड के 10 नाम हमने बताया। पहला मदरबोर्ड को क्या कहोगे, मोबो, क्या कहोगे, मोबो। मदरबोर्ड क्या कहोगे, MB। इसी का नाम है मेन बोर्ड, इसी का नाम है प्लानर बोर्ड, इसी का नाम है बिग सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, क्या नाम है, क्योंकि कंप्यूटर में इससे बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। इसी का नाम होता है ना प्लानर बोर्ड, लॉजिक सर्किट बोर्ड है ना, लेकिन इसको एक ही नाम से मार्केट में जाना जाता है, सिस्टम बोर्ड। किस नाम से, सिस्टम बोर्ड, किस नाम से जानोगे, सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, मदर बोर्ड, ठीक। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं, कोई भी एग्जाम में आपसे कोई पूछ दे कि 10 कंपनी के मदरबोर्ड के कंपनी का नाम बताइए, बोलिए, तो आप लोग अब यहाँ कहोगे सर आप तो केवल गीगाबाइट का ही रखे हैं, कहोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं गीगाबाइट का कंपनी है, गीगाबाइट का ही नहीं आती, ये गीगाबाइट आजमगढ़ में ज़्यादा चलती है, पॉपुलर है,
थोड़ा अच्छा क्वालिटी आ गया इसलिए गीगाबाइट ज़्यादा। तो अगर तो आ जाए कि मार्केट में मदरबोर्ड कितने, तो दो तरह के आते हैं कि ब्रांडेड और एक चिपसेट। ये देखो ये ब्रांडेड नहीं है, सब चिपसेट है। क्या चिपसेट मदरबोर्ड है? कौन मदरबोर्ड है वाला? चिपसेट मदरबोर्ड है सर। ये जैसे सब चिपसेट बोर्ड है। चिपसेट का मतलब क्या होगा कि मदरबोर्ड किसी और कंपनी का है और प्रोसेसर इंटेल का है। सब में देखिए बोर्ड है किसी और कंपनी का है, लेकिन इस पे जो प्रोसेसर लगा होगा वो किस कंपनी का है? इंटेल कंपनी का। किस कंपनी का? इंटेल। तो यहाँ पे हमने कितना बोर्ड रखा है? 10 बोर्ड रखे हैं, और भी बोर्ड है। तो जितना बोर्ड देख रहे हो वहाँ पे देखो डब्बे में देखो अलग अलग डब्बे का हुआ रहा है। yes, देख रहे हो वो देखो लिखा है एच 110 ACS का, 945 का, देख रहे हो कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक मॉडल दिया है बायो स्टार का। yes. देख रहे हो TS61 मदरबोर्ड अलग अलग कंपनी का आता है, कंपनी एक नहीं आता है, कंपनी बहुत सारे कंपनी का आएगा मदरबोर्ड। यहाँ देखिए तो 10 कंपनी का नाम याद कर लेना जो पॉपुलर है। सबसे पहला जो कंपनी है उसका जो सबसे ये मत कहना कि बढ़िया होता है, क्वालिटी के ऊपर जिसमें क्वालिटी अच्छा ले लोगे वो क्या होगा? अच्छा होगा। जैसे सबसे बढ़िया कंपनी कौन है? गीगाबाइट। गीगाबाइट एक कंपनी है। तो गीगाबाइट में भी कई क्वालिटी का आता है, जैसे 61, 31, 945 बोर्ड, समझ में आ रहा? यह 61, 81, ये देखिए सबसे लेटेस्ट आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये मॉडल नंबर कहाँ लिखा होता बालक? यहाँ पे गीगाबाइट 110 बोर्ड, 120 बोर्ड, 130 आ गया। इस पे 7 जनरेशन का प्रोसेसर लगेगा। कौन लगेगा? 7 जनरेशन। अभी प्रोसेसर निकालिए, ओके बोर्ड है, सब रनिंग पीरियड में है ना। इस पे ठीक है, ठीक नंबर है, ठीक है। इसमें हम अब एक एक पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो 10 कंपनी का नाम बोलो। पहला बायो स्टार, कौन है? गीगाबाइट, एस्टॉक, आसूस, मर्करी, फक्सान। ये देखिए फक्सान का है, फक्सान का ये बोर्ड है ना। ये आपका मर्करी का बोर्ड है ना, ठीक है। ये मर्करी कहाँ लिखा रहता है? क्या देखो मर्करी, देख रहे ये पहले बहुत ज़्यादा चलता था। मर्करी का हो गया, ये गीगाबाइट का हो गया, ये फक्सान का हो गया, ये ECS कंपनी का बोर्ड है। इस कंपनी का बाबू ECS। अब कहोगे सर ये कहाँ लिखा है? तो देखो कहीं लिखा होगा, ये AMD प्रोसेसर लगता है इसमें। हाँ देखिए ये AMD आ गया, ये AMD ECS का बोर्ड है, ठीक है। जिब्रानिक, MSI बोर्ड, इंटेल है ना, बहुत सारे बोर्ड आते हैं। तो 10 कंपनी के नाम याद कर लो। अब आइए एक एक बोर्ड के बारे में जानते हैं, तो सभी लोग मॉडल में अभी हम बताएंगे। अब एग्जाम में सवाल आ जाती है कि मदरबोर्ड चाहे कोई भी कंपनी को कितने कंपनी का प्रोसेसर लगता है? दो कंपनी का। एक जो लगता है वो इंटेल का प्रोसेसर। किसका प्रोसेसर लगता है वो? इंटेल कंपनी का। देखिए लिखा है यहाँ पे इंटेल सेलेरान। क्या लिखा है बाबू? इसकी स्पीड भी इस पे दिया रहेगा। तो इसका दाम 3000 रुपया है, कितना है? 3000। ये डुअल कोर आएगा, इसका भी दाम कितना होगा? लेकिन थर्ड जनरेशन है, कौन है? अब देखिए इस पे 945 बोर्ड है, इस पे भी डुअल कोर लग जाएगा, लेकिन कोर i3 नहीं लगेगा क्योंकि डुअल प्रोसेसर है। कौन है बाबू? डुअल। ये देखिए ये आपका जो प्रोसेसर ये भी इंटेल का है, लेकिन यहाँ पे देखो साफ कर रहा हूँ, ये देखो ये जानते हो इंटेल का R है। देखिए ये कोर i3 है, ये कहाँ लिखा रहता है? ये देखो कोर i3। दो कपड़ा दो, एक मिनट। देखो बाबू ये कोर i3, क्या लिखा है बाबू? कोर i3 प्रोसेसर। ये 7 जनरेशन का है, कौन है? 7। तो इस पे दे दिया 4 रैम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे अब रैम अलग अलग, ये देखो ये सब दे दिया 3 रैम है, इस पे DDR2 रैम लगेगा और इस पे DDR4 रैम लगेगा। तो ये हम पहचानेंगे कैसे? तो एकदम रट लीजिएगा, क्या करेगा? रट लीजिए। तो आइए एक एक बोर्ड के बारे में हम समझते हैं। पहले हम पोर्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बाबू? पोर्ट के बारे में। किसके बारे में? पोर्ट के बारे में। तो देखिए मदरबोर्ड पे जो सबसे मेन पोर्ट होते हैं ये देखिए पोर्ट, देख रहे हो? चाहे कोई भी दो मॉडल उठा लिए इसका नाम है पोर्ट। तो मदरबोर्ड के अंदर मेन पोर्ट होता है जो सिस्टम में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए पोर्ट के बारे में समझते जाओ। देखिए लेटेस्ट वाला भी बोर्ड सामने रख लीजिए,
यही है ना लेटेस्ट। तो देखिए ये पोर्ट, ये आप लोग पोर्ट में मिलाते रहिए। ये देखिए सबसे मेन पोर्ट है ये PS2। कौन पोर्ट है? PS2। और आगे कर लीजिए, इसका नाम बोलो PS2 पोर्ट। कौन पोर्ट? ये PS2 का फुल फॉर्म बोलिए, पर्सनल सिस्टम 2। कौन पोर्ट है ये? PS2 पोर्ट होता है, इसका नाम होता है पर्सनल सिस्टम 2। इसमें ऊपर वाला में जो दिख रहा है कौन सा कलर है? ग्रीन। ये किसी किसी में ग्रीन होता है, किसी किसी में ब्लैक होता है, तो ये हमेशा माउस लगता है। क्या लगेगा? माउस। ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है इसका नाम क्या है? बैगनी कलर, इसको पर्पल बोलते हैं। ये पर्पल कलर होता है, इसमें हमेशा कीबोर्ड लगता है, तो इसमें माउस लगेगा, इसमें कीबोर्ड। तो इसको एक लाइन में कह सकते हो, इसका कई किताब देते हैं, इसको बोलते हैं PS2 सॉकेट या पोर्ट, PS2 पोर्ट। इसमें कीबोर्ड और माउस लगता है, बात समझिए। ऊपर वाले में क्या बताए? नीचे वाले में कीबोर्ड। तो दोनों तो 7 पिन का है, तो क्या इसमें माउस नहीं लगता है? लग जाएगा, इसमें भी कीबोर्ड लग जाएगा, लेकिन कार्य नहीं करेगा, लाइट जाएगी लेकिन कार्य नहीं करेगा, तो उल्टा सीधा। इसलिए आज ये, अब ये आज नए वाले जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें दे ही नहीं रहा। ये PS2 का जमाना क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जमाना किसका आ गया है? USB आ गया। तो पहला एक लाइन में कोई पूछे व्हाट इज PS2 पोर्ट, एक लाइन में जवाब क्या कहोगे? PS2 पर्सनल सिस्टम 2 एक प्रकार का पोर्ट होता है, जिसमें कीबोर्ड और माउस को, माउस को लगाते हैं। जो ग्रीन कलर होता है उसमें माउस, और जो नीचे वाला होता है उसमें कीबोर्ड। उल्टा लगा देंगे तो लाइट जाएगा लेकिन कार्य नहीं करेगा। हाँ, ये बंद हो गया। ये क्या होता था कि कभी कभी लगा देंगे, कार्य नहीं कर रहा तो रिस्टार्ट मारना पड़ता, तब कार्य करेगा। तो ये मत करो कि लगा दियो, सही भी लगाओ काम नहीं करेगा, तो खराब नहीं है। क्या होगा ये बताएंगे, जब एक कार्य नहीं करेगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए PS2 इसको IC लगा होता कंट्रोलर, तो ये IC बदल दोगे, कार्य करना चालू कर। ये आज ये PS2 पोर्ट होगा कंट्रोलर FDC चिप में आ जाता है। किस चिप में? इतने चिप के बारे में जब पढ़ाएंगे, ये सब IO चिप बोलते हैं इसको। कौन चिप? IO, ये सुपर IO, जिस पे ITE लिखा है, सुपर IO चिप। कौन चिप? सुपर IO चिप। ये हम चिप के बारे में, अब आइए ये अगला पोर्ट समझिए, सीरियल पोर्ट। कौन पोर्ट? सीरियल पोर्ट। ये कौन पोर्ट है? सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट की क्या पहचान है बच्चों? ये देखो सीरियल पोर्ट है। कौन पोर्ट है? ये 5 पिन ऊपर होता है, 4 पिन 9 होता है, 9 पिन का होता है इसका। ये जमाना इसका खत्म हो गया, आज के जितने नए पोर्ट आएंगे उस पे नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर आपका ये तो नया है, लेकिन इस पे क्यों दिया? बच्चों मैं स्पेशल इसको मंगवाया हूँ, क्योंकि हमको इस पे ये कंप्यूटिंग कार्ड लगवाना था, ये पुराना मॉडल का प्रिंटर लगाना था, इसलिए हम बोर्ड। आज नया मार्केट से जो भी बोर्ड खरीदोगे, आज के मार्केट से जो भी नया बोर्ड खरीदोगे है ना, उसमें देखिए, ये देखिए नया बोर्ड है आज का, यही से आ रहा है। ये देखिए लेटेस्ट में ये बोर्ड आ रहा है, केवल इतना ही देखिए, आज लेटेस्ट ऐसा बोर्ड आ रहा है। इस अब कहोगे सर ये कहीं में ये पर्पल भी दिया है और वो भी दिया है, ये आज का लेटेस्ट। अभी कहोगे सर आप कहें ये लेटेस्ट है, लेकिन ये मैंने स्पेशल मंगाया हूँ तब है, लेकिन मार्केट में बोर्ड मिलेगा नहीं, ये मंगवाना पड़ता है, ये मैं स्पेशल ऑर्डर किया था इसको। ये देखिए आज के जो नए बोर्ड हों, यही मॉडल में जो आज के होंगे, जैसा अगर यही विदाउट PCI स्लॉट वाला लोगे, ये PCI स्लॉट वाला, तो ये बोर्ड अब किसे आ रहा है बाबू? ऐसे। तो ये देखो अब कहोगे सर इसमें क्या है? अब तो कहोगे सर ये तो PS2 ऐसे दिया, इसमें आधा ग्रीन है आधा पर्पल है, तो इसमें कीबोर्ड भी लगा सकते हो और माउस भी, लेकिन एक समय एक ही। और अब ये जमाना खत्म हो गया, आज केवल अब क्या दे दे रहा है? तो इसमें कीबोर्ड लगा दी, इसमें माउस, ठीक, अगर PS2 आ गया। तो ये लेटेस्ट बोर्ड है, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग कंपनी का दिखाया हूँ, कि जब मार्केट में उतरोगे ना तब कहोगे सर अब क्या करें, तो इसमें उल्टा सीधा कैसे लगाओ काम करेगा, दोनों काम करेगा। अब देखिए क्या इसमें सीरियल पोर्ट दिया है? बोलो, क्योंकि इसका जमाना क्या हो गया? जब्त हो गया, सीरियल पोर्ट खत्म। क्यों खत्म हो गया? ये पहले कॉम्पोर्ट इसका नाम था, इसका एक और नाम बोलिए कॉम्पोर्ट, सीरियल पोर्ट। ये क्या होता था? ओल्ड मॉडल सीरियल डिवाइस को लगाने के लिए होता था, मॉडम जोड़ने के लिए होता था। आज मॉडम का जमाना खत्म हो गया है, ब्रॉडबैंड आ गया है और डोंगल आ गया है USB में लगाने के लिए, और इसका जमाना क्या हो गया? कितना पोर्ट आपको आ गया? 2, PS2 पोर्ट और सीरियल। आज जमाना किसका है? VGA।
अब ये भी जमाना इसका भी जब्त हो गया। छुओ मत तुम लोग मदरबोर्ड, हमको बता लेने दो। इसका नाम क्या है? VGA पोर्ट। ये VGA में कितना होता है? 5, 5, 10, 15, 15 पिन का होल होगा। ध्यान से देखिए कितना पिन है, 15 पिन, 5, 5, 5, 5, कितना पिन है, 15 पिन होता है। ये VGA केबल के द्वारा मॉनिटर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? मतलब एक केबल इसमें VGA केबल लगा दीजिए, एक किसमें लगा देंगे मॉनिटर। इसका नाम, इसका नाम लिखो, VGA पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, प्रोजेक्टर पोर्ट। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपको मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए। अब ये भी जमाना खत्म हो गया। आज इसके जगह पे कौन पोर्ट आ गई बाबू? HDMI पोर्ट। HDMI किसी में दिया होगा बच्चों? ये देखो, देखो अभी ना कहा लेटेस्ट बोर्ड है, तो आज ये VGA भी दिया है HDMI। आज जमाना किसका आ गया? HDMI पोर्ट का आ गया। ये देखिए अब यहीं से बड़ी वाली टीवी में भी, आपके घर टीवी है ना, LED है ना, उसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अब जुड़ेगा ये 5 मीटर का, 1.5 मीटर का HDMI केबल आता है। तो आज जमाना किससे, इससे गुड क्वालिटी किसकी है? HDMI की। ये वाला VGA है, विजुअल ग्राफिक यूनिट अरे होता है। ये आपका HDMI पोर्ट है। ये कौन पोर्ट है बाबू? HDMI सबसे ज़्यादा यूज होने वाला HDMI पोर्ट। किसका नाम? HDMI पोर्ट। कोई दिक्कत? अब बात आता है HDMI पोर्ट के बाद ये क्या हुआ, ये मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। इसी से स्पीकर भी बजा सकते हो, इसी से डिस्प्ले भी लगा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पोर्ट का नाम बता दो बाबू। अब आज के जमाने पे VGA की जगह पे क्या होने लगा? HDMI। अब लैपटॉप खरीदोगे ना तो लैपटॉप में VGA पोर्ट नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? ये सबसे लेटेस्ट पोर्ट समझाया हो ना, तो ये बताओ कहीं ये दिख जाएगा तो अब नहीं ना बोलोगे HDMI का फुल फॉर्म बोलो। HDMI का फुल फॉर्म बोलो। पक्के गधे हो। हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कोई दिक्कत? चलिए तीन पोर्ट आ गया। अगला ये दिया है पैरेलल पोर्ट, ये सीरियल पोर्ट। अरे ये कितना पिन होता है? 13 ऊपर होगा, नीचे 12 होगा, तो 13, 12 एग्जाम में ओ लेवल होगा, एग्जाम में होता है ना हार्डवेयर का, तो जो पेपर दिया था उसमें पूछता है कि सीरियल पोर्ट में कितना पिन था? 9 पिन, 5 ऊपर 4 नीचे। ये कौन पोर्ट है? तुमको पढ़ा नहीं हूँ, इसको ध्यान से। इसका नाम बोलो, पायलट पोर्ट। कौन पोर्ट? पायलट पोर्ट होता है। ये 25 पिन का होता है। ये क्या होता है, इसका पायलट पोर्ट जो होता है पायलट डिवाइस को जोड़ने के लिए हो जाता है। जैसे DMP प्रिंटर, जो रेलवे स्टेशन पर प्रिंटर लगा होता है, ओल्ड मॉडल प्रिंटर, ये आप लोग जाते हो गैस बुकिंग करवाना है तो नहीं, वो डाट डाट के रूप में प्रिंट करता है। वो प्रिंटर किस में, अभी मान लो कल कंप्यूटर बनाने गए, नीचे करो इसको दिखाओ। जैसे कंप्यूटर बनाने जाओगे कहीं पे तो प्रिंटर लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? तो प्रिंटर को कनेक्ट करने वाला कौन डिवाइस? पहला डिवाइस। कोई कन्फ्यूजन? अब ये जमाना इसका भी क्या हो गया, जब्त हो गया। आज जितने भी प्रिंटर आ रहे हो किस में लगेंगे? USB में। हमारे ऑफिस में या वहाँ पे मैं कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगाया हूँ अपने, वो किस पोर्ट में लगा? USB पोर्ट। तो ये पायलट पोर्ट का जमाना क्या हो गया बच्चों? खत्म। तो कौन पोर्ट है बच्चों? पायलट। तो एक लाइन में कहोगे कि पायलट पोर्ट वो पोर्ट होता है जो पायलट डिवाइस को लगाने के लिए होता है। इसी का नाम होता है LPT पोर्ट। बोलो, LPT लोकल प्रिंटर टर्मिनल। ये टर्मिनल, ये ओल्ड मॉडल है, ये बंद हो गया। अब नए वाले बोर्ड में नहीं दे रहा है। देखो दिया है, बोलो दिया है क्या इस बोर्ड में है? नहीं, ये भी स्पेशल मंगाया जाता। अब आइए अगला है सबसे इम्पोर्टेंट, USB पोर्ट। अब देखिए बच्चों, USB में भी दो क्वालिटी आती है। ये देखिए ओल्ड मॉडल मदरबोर्ड है, ये देखिए दोनों ओल्ड मॉडल है। एक को कहाँ गायब कर दिए जी, मदरबोर्ड नहीं इधर। ये देखिए दोनों ओल्ड है, ये 950। ये देखिए इसमें देखिए USB काला काला है, देख रहे हैं? Yes, इसका मतलब हुआ 2.0 वाला USB है। Yes, कौन वाला है? 2.0। तो इसमें USB डिवाइस बोलते हैं, इसका नाम है USB पोर्ट। लेकिन आज वाला जो USB आ रहा है ना, ये लेटेस्ट बोर्ड है, ये 3.0। देखो ग्रीन है, इसकी पहचान है।
ये देख रहे हो ये काला भी है और ये 3.0 की स्पीड है। ज़्यादा स्पीड इसमें लगाओगे ज़्यादा स्पीड से डाटा जाएगी इसमें कम। तो ये 2.0 USB है, ये 3.0। तो ये कौन बोर्ड है, नया है कि पुराना? नया। ये बोर्ड का दाम है 3000 और इस बोर्ड का नाम है 5500 6000। तो दोनों में अंतर है और दोनों का काम एक ही, लेकिन दोनों की क्वालिटी अलग। ये थर्ड जनरेशन और ये लेटेस्ट। तो ये एक एक, एक लाइन में पूछ दे। चलिए आप बताओ यूएसबी का फुल फॉर्म। धन्य हो तुम यार, क्या यहाँ पे आके मोबाइल चलाओगे, कहाँ से आएगा? हार्डवेयर इंजीनियर वही बनता है जो डेली क्लास करोगे, डेली एक एक पोर्ट में डालोगे, पता लगा आईसी कोई और खराब है और बदल दिए कोई और। तो एक एक पोर्ट याद करोगे, क्लास करोगे, तब हो पाओगे। केवल एडमिशन ले लेने से कुछ नहीं होने वाला, जो बात है क्लियर है। यहाँ देखिए, ये है आपका यूएसबी पोर्ट। कौन है ये लेटेस्ट है? अरे ओल्ड। दोनों में लग जाएगा ये। अब क्या मैं अपना पेन ड्राइव लिया हूँ क्या, दोनों में नहीं लगेगा? सब में लग जाएगा, ये सब में लगेगा। ये देखिए, ये आपका ये पेन ड्राइव है, इसमें भी लग जाएगा है ना, और इसमें भी लग जाएगा ये पेन ड्राइव जिसमें मर्जी। इसमें ज़्यादा स्पीड मिला। अब देखो पेन ड्राइव में भी दो तरह की आती है, 2.0 की स्पीड की आती है, 3.0। तो आप 3.0 वाला पेन ड्राइव खरीदना। अब आइए इसका फुल फॉर्म समझो, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म बोलो, यूनिवर्सल सीरियल बस। एग्जाम में आ जाता है यूएसबी पोर्ट को, और क्या बोलते हैं इसको, हार्ट प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट प्लग। अभी बताया था कि इसमें यूएसबी कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, यूएसबी माउस। एक लाइन में कहोगे कि यूएसबी पोर्ट वो पोर्ट होता है जिसमें सभी यूएसबी डिवाइस लगते हैं, उसे कौन पोर्ट कहते हैं? बट यूएसबी पोर्ट कहते हैं। जैसे इसमें यूएसबी कीबोर्ड लगा सकते हैं, यूएसबी माउस लगा सकते हैं, यूएसबी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, डाटा केबल लगा सकते हो। और एग्जाम में आ जाता है एक साथ इसमें कितने डिवाइस जोड़ सकते हो, तो 127 डिवाइस जोड़ सकते हो। कितना? 127। इतना इसकी पावर होती है, लेकिन एक्सटेंशन बोर्ड लगा एक नहीं आता भरने वाला। यूएसबी आ गया। अगला देखिए, ये जो होता है लैन पोर्ट होता है। कौन पोर्ट होता है? लैन पोर्ट। लैन पोर्ट होता है, इंटरनेट पोर्ट होता है। इसको हम नेटवर्किंग करने के लिए यूज होते हैं। जब हम लोग नेटवर्किंग अगले महीने से चालू करें, नेटवर्किंग में यूज होगा, नेट चलाना होता होगा। इसको नाम होता है RJ45। बोलो फुल फॉर्म। RJ45 रिमूवेबल जैक 4 pair 5 color। इसी का नाम है लैन पोर्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें देखिए ऊपर ये नेट का वायर आया है, तो यही नेट का वायर जब आएगा तो नेट अगर हमको कंप्यूटर से जोड़ना होगा तो इसको यहीं पे क्या कर लेंगे, प्लग इन। ये देखिए इसका नाम है नेटवर्किंग केबल। आगे बताएंगे इसका नाम और क्या होता है, यूटीपी केबल। इस कनेक्टर का जो नाम है RJ45। कौन है? इसमें 8 pin होता है। कितना पिन होता है? 8 pin। एग्जाम में आ जाता है कि इसमें कितने पिन होते हैं? 8 pin। तो ये वाला ये नेटवर्किंग केबल ले जाएंगे, नेट चलाना होगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो बत्ती नहीं जलेगी क्योंकि मदरबोर्ड पे लाइट नहीं है, लेकिन अगर नेट रहता तो इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो यही से हमारा नेट चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो यही पे जब करेंगे तो ये बत्ती दोनों क्या हो जाएगी, ऑन और ऑफ हो जाएगी, तो ब्लिंकिंग करने लगेगा। इसका मतलब नेट हमारा क्या हो गया। तो इस केबल का नाम होता है कि अपने कंप्यूटर से नेटवर्किंग करना हो, इंटरनेट से जोड़ना हो, हम कौन पोर्ट का यूज करेंगे बाबू? अगला दिन कभी भी निकाला जाता है तो इसको लाक को दाब के निकाला जाता है, जबरदस्ती खींचोगे टूट जाएगा। दूसरी पॉइंट, इसका नाम है ऑडियो पोर्ट। क्या लगाना है? ऑडियो पोर्ट। आज अब केवल कुछ लैपटॉप में केवल दो ही देखे होंगे, अब एक भी आ रहा है। तो ये देखिए, ये होता था हेडफोन लगाने के लिए, यहाँ से स्पीकर लगाते हो, क्या निकालते हो? या ईयरफोन लगाना होता है, अरे माइक रिकॉर्ड करना। आज नया लैपटॉप खरीदोगे ना तो केवल कितना दे रहा है, तो उसमें स्पीकर भी एक समय लगा सकते हो, चाहो तो माइक भी लगा सकते हो। तो इसका नाम है साउंड पोर्ट, ऑडियो पोर्ट। कोई दिक्कत? इसमें स्पीकर लगाते हैं, यहीं से ईयरफोन भी लगा सकते हो, यहाँ से माइक लगाते हैं। कोई कन्फ्यूजन? तीनों एक साथ लगाना है, स्पीकर लगाना होगा तो इसमें, हेडफोन लगाना इसमें और माइक लगाना इसमें। तो तीनों का काम समझ में आया। इसका आउटपुट नाम है इसका इनपुट, इसका नाम है इन, मैं गलत बोल दिया, इसका नाम है इन, इसका नाम है आउट। इसमें माइक लगाओगे, इसमें स्पीकर। कोई कन्फ्यूजन? तो एक बार एक मिनट में समझ लीजिए कि इस पूरे पोर्ट का नाम क्या है। पोर्ट, क्या नाम है?
पहला इसका नाम देखिए क्या नाम है, PS2 लेटेस्ट वाला भी दिखाया हूँ बोर्ड, इस तरह का आ रहा है। तो ये देखेंगे दोनों एक में भी दे सकता है, अलग अलग भी देगा, अलग अलग देगा। तो ये रूल है कि इसमें माउस इसमें कीबोर्ड उल्टा लगा देंगे कार्य नहीं करेगा, लेकिन आज वाला में ऐसे लेटेस्ट वाले में दे रहा, तो जो इसमें मर्जी उसमें लगा दो। आज सभी कीबोर्ड माउस के आ रहे हैं, USB आ रहे हैं, तो इसमें कीबोर्ड भी लगा दो माउस। और इस दूसरा पोर्ट है, इसका नाम है सीरियल पोर्ट, जो सीरियल डिवाइस को लगाने के लिए होता था। इसका नाम है पैरेलल पोर्ट, जो पैरेलल डिवाइस को जोड़ने के लिए होता था। ये दोनों का जमाना जब्त हो गया, आज दोनों डिवाइस किसके रूप में आ गया, USB। इसका नाम है VGA पोर्ट। ये VGA पोर्ट किसी किसी में एक कलर होता है, ज़्यादा कलर यही रहता है ब्लू कलर, सबसे ज़्यादा यही कलर रहता है। इसमें VGA केबल के द्वारा मोनिटर जोड़ने के लिए होता है। इसका नाम है, आज VGA भी जमाना ख़त्म होने वाला है, आने वाले समय में केवल क्या आएगा, HDMI पोर्ट होता है जो कनेक्ट करने के लिए, ये होता है USB पोर्ट। ठीक है, इसको आ गया। इसका नाम है लैन पोर्ट, इसका नाम है ऑडियो पोर्ट। कोई कंफ्यूजन? तो ये पोर्ट के बारे में सब लोग जान गए। तो मदरबोर्ड पे मेन पोर्ट क्या होता है, इसका डिटेल अगर कहीं पूछा जाएगा बता दोगे, ये क्या है, व्हाट इज पोर्ट। तो एक लाइन में कहोगे पोर्ट इज ए जंक्शन पॉइंट, क्या होता है, जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे कोई बाहरी डिवाइस ला के जोड़ते हैं, फिर फेरा डिवाइस जोड़ते हैं, उसका नाम क्या होता है, पोर्ट होता है। व्हाट इज पोर्ट, तो पोर्ट इज ए जंक्शन पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट, जहाँ से कोई डिवाइस ला के जोड़ते हैं, उसका नाम क्या है, पोर्ट। जैसे जोड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस जो भी ला के बाहरी, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर। अब कहोगे हार्ड डिस्क सर कहीं से जोड़ेंगे, यहीं पे जोड़ लेंगे, प्रिंटर यहीं पे जोड़ देंगे, स्पीकर यहीं जोड़ देंगे, मोनिटर यहीं जोड़ देंगे। तो जितनी बाहरी डिवाइस आके लगती हैं सब किस में लगती हैं, अब पोर्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉकेट। क्या पढ़ेंगे, सॉकेट। तो ये देखिए आपका ये नया बोर्ड है, इसको अच्छे से रख दीजिए, इज्जत इसका करिए। ये देखिए ये है सॉकेट, ये क्या नाम है बाबू, सॉकेट। इसका सबका नाम बोलो, सॉकेट। क्या नाम है इसका, सॉकेट, माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट। ये एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है, इसका नाम है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अगर ये खराब हो जाएगा तो कंप्यूटर ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं है। दूसरी बात, ये प्रोसेसर पे अगर कल ही देखे थे, एक लैपटॉप बनाने के लिए आया था, नहीं बनाए थे, तो तुम अभी भी नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। ये बनाया था अभिषेक, तो वो लड़की से 300 रुपया ले लिया गया, फटाक दे, कोई काम धाम नहीं हुआ। तो ये केवल क्या हो रही थी, चल रहा था और बंद हो गया। ठीक है, तो आप लोग केवल प्रोसेसर क्या होगा कि इस पर प्रोसेसर पे कूलिंग पेस्ट नहीं रहेगा, फैन अगर नहीं होगा तो लैपटॉप चालू होगा और क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये अगर ख़राब हो जाएगा डिस्प्ले नहीं आएगा। तो प्रोसेसर को ये देखिए, ये प्रोसेसर है ना बाबू, ये आपका देखिए इंटेल का है ना प्रोसेसर है। ये आपको निकालने के लिए देखिए ये लॉक को दबाया जाता है, एकदम ध्यानपूर्वक उठा लोगे, अभी नहीं कि जो हार्डवेयर पढ़ते हो वही निकालना, अदरवाइज ध्यान से इसको सॉकेट को उठाते हैं। और ये देखिए लेटेस्ट प्रोसेसर है, एकदम इज्जत से इसको उठाते हैं और एकदम हाथ में ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, एक भी अगर पिन टूट गया इसमें तो ये प्रोसेसर कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। ये आपका प्रोसेसर का सॉकेट होता है। और ये जो प्रोसेसर है बच्चों, कहीं और नहीं लग सकता, जिस बोर्ड का रहेगा उसी पर लगेगा, क्योंकि इसकी पिन होती है 775। जैसे ये देखिए 775 सॉकेट का है, कौन है, इसका प्रोसेसर इस पर नहीं लगेगा, इसका प्रोसेसर इस पर नहीं लगेगा, और इसका प्रोसेसर इस बुक, सब बोर्ड का अलग अलग प्रोसेसर होता है, मॉडल एक होना चाहिए, कहीं लग जाएगा ये इंटरकम। अब ये लगाते हाँ तो वही बताएंगे, देखिए कहीं में बताएंगे, इसमें मेल कनेक्टर है, इसमें फीमेल। तो यहाँ देखिए पिन नहीं दिया, तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, यहाँ देखिए घाट बना हुआ है, लाग देख रहे हैं, यहाँ देखिए 3 पॉइंट है, इधर देखिए 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे कट बना हुआ है, देख रहे हैं ना, नहीं बना। तो लगाते समय सबसे सीधा सवाल, ये प्रोसेसर को मदरबोर्ड को अपने साइड में करिए, सीधा करिए, हमको दिखे, ये इसे अपने साइड में करिए, ये जो कट है अपने साइड में करिए, लॉक को दूसरे साइड में करिए, ऑटोमेटिक सीधा बैठ जाएगा कभी भी दुनिया की कोई भी प्रोसेसर। अब आइए फिर लगाने का तरीका देखो, लाओ यहाँ पे देखिए, इसको एकदम घाट से घाट को बैठाना है, एकदम देख रहे हो बाबू, एकदम पॉइंट से पॉइंट मिलाना, धीरे से रखना, फिर इसको दबाना है और इसको लगा के ऐसे लगा दें। एक प्रोसेसर का होगा, ये सॉकेट था, 1150 था, ये देखिए
ये 775 वाला कौन है बाबू? ये 945 बोर्ड है। कौन सा बोर्ड है? 945 पे 775। ये बहुत ओल्ड मॉडल है, इसका जमाना जब्त हो गया। अब आइए, अब कहोगे सर ये क्या है? सर इस पे तो प्रोसेसर ही नहीं है, ये एटम बदर बोर्ड है। कौन बोर्ड है? एटम बदर। इसमें प्रोसेसर नहीं होता, इसमें इनबिल्ड होती है। इस अब कहोगे सर, अब तो कहेंगे क्या बिना प्रोसेसर का भी काम करेगा मदरबोर्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसर एक चिप के रूप में आ गया। किसमें आ गया? चिप के रूप। अगर ये खराब होगा ना प्रोसेसर, तो मदरबोर्ड में बदलना पड़ेगा। इसकी चिप होती है, अब एक हम नहीं बनाएंगे, इसके लिए मशीन आती है। अब ये प्रोसेसर खराब होगा तुरंत लगा दें। अब देखिए, ये देखिए दो बोर्ड है, दोनों की एक ECS कंपनी का बोर्ड है। अरे इस पे देखिए फैन अलग अलग तरीके से लगाया जाए, तो अब इसका प्रोसेसर निकालना है। देखिए इस पे इंटेल का प्रोसेसर लगा होगा, इस पे AMD का, तो AMD का प्रोसेसर इसको निकालना है, निकालना है। देखिए इसमें AM3 है, देखिए इससे लेटेस्ट बोर्ड है, ये भी AM3 प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर इसमें लग जाएगा। देखिए वो जो अभी जो बता रहे, तो इंटेल का बता देना, दो कंपनी का बता, तो ये दोनों बोर्ड एक ही है। इसका प्रोसेसर इस पर लग जाएगा, इसका प्रोसेसर इस पर, लेकिन इस पर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर प्रोसेसर किसका लगेगा? इंटेल का। इंटेल। अब कहोगे सर आप ये कैसे बता दे रहे हैं कोई पे कौन लगेगा, तो यहाँ पे लिखा भी रहता AM3, मतलब AMD3 मॉडल प्लस है। ये देखिए AM3 केवल है, मतलब इससे हैवी इस पर लो क्वालिटी का। अब इसको प्रोसेसर लगा, यही इसका नाम है CPU फैन। क्या नाम है बाबू? CPU फैन। तो अगर यही फैन खराब हो जाता है तो कंप्यूटर चलता है और क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिस्प्ले नहीं, हाँ आएगा लेकिन चल के बंद हो जाएगा, या हीट हो जाएगी तो बार बार बंद हो गई। इसको निकालने का तरीका देखिए, साकेट को ध्यानपूर्वक, इस लॉक को ऐसे खोलेंगे, ध्यान से देखिए लॉक को उठाएंगे, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करके निकाल, यहाँ से निकाल। ये फैन है, इसके ऊपर कूलिंग पेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कूलिंग पेस्ट। कूलिंग पेस्ट लगाते हैं। ये देखिए इसमें देखिए AMD कौन प्रोसेसर बाबू? AMD का। इसको निकालने का तरीका वही तरीका, उठाइए और इसको निकाल दें, ठीक है। ये देखिए इसमें देखिए क्या है, इसमें मेल है और इसमें फीमेल है, ठीक है। तो साकेट नंबर है, अब इसका प्रोसेसर इसमें लगा। अब देखिए ये चूल लगाने का तरीका अभी बताया हूँ कि अपने साइड में कर लेंगे। यहाँ देखिए कट बना हुआ, कट बना है, यहाँ भी कट बना है, एक पहचान, समझ में आ रहा है? जबरदस्ती लगाओगे, अगर एक पिन भी अगर टेढ़ा हो गया तो प्रोसेसर गया, 3000 गया। इसका नाम 3000 है, 5000 है, 15000 है प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए दो पिन दूर दूर पे है, तो यहाँ देखिए दो पिन होल दूर दूर पे है, यहाँ दो पिन क्या है पास पास में, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक पहचान लगाने का, दूसरा यहाँ पे कट दिया है। अगर ऐसे लगाओगे तब वो लग जाएगा, लेकिन टूट जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए आप लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पास पास में पिन है कि नहीं है, और यहाँ पे दूर दूर है, तो यहाँ पे देखिए तो ऐसे पास पास इधर हो गया पिन, और दूसरी सबसे मेन पहचान देखिए यहाँ पे, यहाँ कट बना है, और यहाँ प्रोसेसर पे कोने में कट बना है कि नहीं बना, तो यहाँ पे होल से होल को मिलाइए, है ना, इस पर रखिए और इसको लगा दें। और इसको लगाने से पहले इस पर क्या लगाएंगे बाबू? पेस्ट। कूलिंग पेस्ट। क्या लगाएंगे? कूलिंग पेस्ट। कूलिंग पेस्ट, जो आपको हम पेस्ट दिखा दे रहे हैं, ये सिरिंज आएगा, ये एक 10-20 रुपये का आएगा, ये ले लोगे और इसी पे पेस्ट क्या करोगे, इसे लगा दोगे, लगाने के बाद इसमें जो पेस्ट हो जाएगा लगा दोगे फ्री में, उसके बाद इसको क्या कर लोगे, तो पैक करो। फैन लगाने का तरीका देखो, पहले एक साइड को फंसाओगे, फंसा लोगे जैसे दिया रहा है वैसे करो, जैसा भी, और इसको ऐसे करके दाब के ऐसे लॉक कर दोगे, अपना हिलेगा। इसका नाम क्या है? कौन कनेक्टर का? फैन कनेक्टर। माधु झापरों का फैन कनेक्टर। CPU फैन। CPU फैन क्या नाम है? तो यहाँ पे देखिए एक दिया है सिस्टम फैन, उसमें मत लगाना है। यहाँ पे देखो CPU फैन 3 पिन का दिया, तो लिखा रहेगा इस पर क्या करेंगे, 3 पिन को लगा देंगे, अब यहाँ से पावर आएगा चलेगा, आगे लगाना। तो इसका नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए इसमें भी अब वही प्रोसेसर लगाया, वही तरीका है निकालने का, आ गया। यहाँ देखिए AMD सेम वही प्रोसेसर लगा,
प्रोसेसर देख लोगे, देखो पेस्ट लगा हुआ, पुराना हो गया, इसको बंद कर लीजिए, लगा दीजिए, पैक करिए। देखो लॉक को बैठा के जोर जबरदस्ती से नहीं, अभी अपने हाथ से करोगे। आ गया, दो तरीका आ गया। अब देखिए ये वाला बोर्ड है, ये इस पे प्रोसेसर जो अब आ रहा है बच्चों, ये बहुत खतरनाक फैन होता है, ये तो इसको बड़ा ध्यान पूर्वक लगाया जाता है। इसको होल से मोल मिला के इसको यहाँ पे लॉक को खींच के ये लगाया जाता है, ये फैन देखो, नहीं तो पिन में देखो, देखो लड़के पिन में तोड़ दिए तो पिन टूट जाता है। हाँ यही जोर जबरदस्ती के इसको ऐसे करके इसको उठाया जाता है ना, और ऐसे दाब के इसे लॉक को लगा दोगे, ये फैन होता है। ये अलग फैन जमाना है ना, ये लेटेस्ट फैन है, वहाँ रख दीजिए। तो अब आइए, बात समझ में आ गया कि ये हमारा प्रोसेसर सॉकेट क्या होती है, कैसे फैन लगाते हैं। अगला आइए सॉकेट का बात बताते हैं, अगली पॉइंट। ये देखो ये पुराना बोर्ड पे समझते हैं, ये है स्लॉट, इसका नाम बोलो स्लॉट, मेमोरी स्लॉट। कौन स्लॉट? मेमोरी स्लॉट। इसका भी नाम है स्लॉट। कौन स्लॉट? और इसका भी नाम है स्लॉट। अब देखो यार, तीन बोर्ड है, तीन किस्म का रैम लगेगा। देखो यहाँ कितना बोर्ड है बच्चों, तीन। देखिए ये रैम, ये देखो, ये देखो, रैम कोई निकालना मत बालक, क्योंकि ये रैम महंगा है। ये 4000 का रैम मिलेगा, ये तीन एसम नया बोर्ड है। हाँ देखो यहाँ देखिए, इस पर लिखा रहेगा, कोई निकालेगा नहीं, समझिए। ये देखिए सबसे लेटेस्ट रैम चल रहा है, कौन सा रैम? DDR4। कोई भी रैम निकालने का तरीका, एक सीधा लॉक को दबाइए, मदरबोर्ड पकड़ो, साइलेंस गिरे ना, नहीं तो बहुत ब्रांडेड है ना, चल जाएगा, दिक्कत है। देखिए इसे लॉक को दबाइए, उठा ले। ये देखिए सबसे लेटेस्ट रैम है, ये देखिए DDR4 रैम है, 4GB का। देखिए आ रहा है 4000। ये DDR4 कौन रैम है? सबसे लेटेस्ट रैम कौन चल रहा है? डबल डाटा रेट 4। सबसे ये 4GB का रैम है, सबसे लेटेस्ट मदरबोर्ड है ये। तो आज जितने नए लैपटॉप आएंगे, कंप्यूटर आएंगे, सब कौन रैम लग रहा है? अभी नहीं, अभी ये वाला कहीं नहीं लगेगा, लग रहा है साकेट में लगेगा। तो ये सबसे लेटेस्ट है, और ये कैसे जानेंगे? देखो यार लिखा भी रहेगा, नहीं दिखा तो दिखा, देखो अबे उसमें देख लेना बाद में। देखो DDR4 ये लेटेस्ट है। ये देखिए यहाँ पे LG 1151 सॉकेट भी लिखा है। देखो प्रोसेसर, अब इसका प्रोसेसर 7th Gen 6 है, ये किसी पर नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे सॉकेट क्या है, 1151। कितना है DDR2 3 4? हाँ अबे यो नहीं पता तो है DDR1 DDR2 DDR4। तो यहाँ पे देखिए सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर ये है लेटेस्ट, और लेटेस्ट रैम ये 1151 सॉकेट है। इस पर कितना है? 775 है, उस पर 1100 क्या है? पिन, ये पिन है अंदर, तो क्या पिन मिलेगा? इसलिए कोई, ये सबसे बढ़िया प्रोसेसर यही है 7th Gen का। Core i3 भी लग जाएगा, Core i5 भी लग जाएगा, Core i7। और ये कौन सा रैम? तो इसको लगाने का तरीका समझिए, घाट को यहाँ से पिन को होल से होल मिलाएंगे, घाट से देखिए मिल रहा है, और जोर जबरदस्ती नहीं, एकदम प्यार से इसको पकड़ना है, ठीक है? रुक जाओ, हमको सीधा हो जाए। हाँ एकदम प्यार से पकड़ना है, बराबर बराबर लेके जाना है, लेके जाना है, और दोनों हाथ से क्या कर देना? दाब देना। ये सबसे लेटेस्ट बोर्ड है, तो इस बोर्ड को हम हटा दें, क्योंकि अभी खराब हो जाएगा। तो 4000 और 8000 12000 और 6000 कितना होगा? 18000 मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसको अंदर रख दो, लैब में रखो, एकदम कोने में रखो, एकदम लैब में। यहाँ देखिए, इसके बाद देखिए ये प्रोसेसर पटक, अरे तो क्या बोला भाई? ये देखिए DDR3 रैम, ये कैसे पता हमको चला सर? ये S61 है, और वो कौन मदरबोर्ड था बाबू? 81। देखिए यह 61, और ये कौन है? 61। ये देख रहे हो? 61। ये देखो, ये देखो मॉडल यह 61। यस सर। आ गया किस कंपनी का? पाकिस्तान का। ये देखो इस पे कौन सा रैम लगेगा? DDR3।
अब कहोगे सर आप कैसे ज्यादा बोलते रहे तो कहीं ना कहीं लिखा रहता है, लिखा भी है, देखिए कट से भी पहचान लेंगे, कट से भी पहचान लेंगे। जब इंजीनियर हो जाओगे तो यहाँ बताएंगे रिपेयरिंग में कि जिस पे 1.8 वोल्ट लिखा रहेगा वो क्या होगा, 1.5 वोल्ट लिखा रहेगा वो DDR3 रहेगा। ये देखिए या यहाँ पे रैम पे पकड़िए, देखिए लिखा है DDR3 या PC3 भी लिखा हो सकता है। और कट से भी पहचान लेंगे, कट से कैसे पहचानेंगे, 240 पिन का ये पिन होगा, ठीक है ना, कितना पिन का होगा, 240 पिन होगा और साइड कट होगा। ये देखिए DDR3 रैम है, ये इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, देखिए इसका रैम इस पे लग जाए, लेकिन वो वाला जो रैम था कहीं नहीं लगे। ये देखो, ये देखो, ये लिखा है ना DDR3, ये साइड कट है ना, इसको लग जाए, ये नया बोर्ड है बाबू, रैम ओके टेस्टेड है, इसको मत लगा, तो लगा के दे देना, पलट के देखिए, ऐसे नहीं ना लगा, नो सर, पलट ऐसे होल से होल मिलाई नहीं, देखिए पुराना साकेट अच्छा नहीं है, ये रैम खराब हो जाएगा, इसलिए नए बोर्ड पे, ठीक। तो ये देखिए इस पे भी लग जाओगे। अब देखो ये ECS का है, ये GigaByte का है, फक्सान का, तीनों का रैम तीनों में लग जा रहा है, क्यों, क्योंकि पोर्ट एक है स्लॉट, इसका नाम है मेमोरी स्लॉट, बोलो मेमोरी स्लॉट, रैम स्लॉट, देखिए इस पे लग जाएगा, देखो एक बार इधर दाबिए, एक बार इधर आगे लगाना, थ्री में लग जाएगा, किसी में लग जाएगा, निकालना है दोनों पोर्ट को, मारिए उठा लीजिए इसको। अब आइए तो इसको भी हम बोर्ड को हटा देते हैं, क्योंकि ये भी बोर्ड हमारा देख लिए रैम, लेकिन ये रैम इस पे नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये DDR2 है, देखिए यहाँ पे लिखा है DDR, देखिए लग ही नहीं रहा है, देखिए अभी लगाएंगे नहीं, कट मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, आगे तो इसको हटा दिए। अब इसको लेटेस्ट वाला है, ये भी बोर्ड बाबू वहीं पे उठा के रख दो, है ना, ये भी न्यू बोर्ड है, ठीक है, वहीं पे अच्छे। हाँ भाई ये देखिए, ये DDR3 भी रैम पे PC3 भी लिखा हो सकता है ना, PC देख रहा हो, 1333, देखो 1333, अच्छा 800 लिखा ना, 1333 लिखा ना, लग जाएगा। आई बात, यहाँ देखो DDR3, देखो इस पे रैम लग जाएगा, ये यहाँ से नहीं लगा, उल्टा करके रैम, एक बार आगे लगाना, हिलना नहीं चाहिए। अगर ये रैम आप लगा रहे बच्चों, ये देखिए रैम लगा दिए, अगर अच्छे से नहीं लगाओगे तो क्या होगा, काम करेगा, दौड़ेगा, लेकिन चलेगा, डिस्प्ले आएगा नहीं आएगा, सर खराब हो जाएगा। हाँ तो ये यहाँ पे लगाने का तरीका देखो, एक बार इसको फंसाइए, इस पे फंसाइए लाख में, इधर एक बार दबाइए, कट की आवाज़ आएगी, इधर कट की आवाज़ आना चाहिए, नहीं आया तो नहीं बैठा नहीं, बैठा नहीं, आ गया समझ में। तो कितना रैम हम लोग जान गए, दो तीन चार, फिर समझो DDR4 सबसे लेटेस्ट रख दिया, क्योंकि सबसे बढ़िया था, सबसे महंगा था, खराब हो जाता तभी 4000 मेरा नुकसान हो जाता। ये कौन है DDR3, ये 1000 तक आएगा, 1 GB, 2 GB, अब ये है DDR2 रैम, ठीक है, और एक DDR1 जो सबसे पहले जमाना था वो चला गया। कोई कंफ्यूजन, अगला आइए। अरे सर एक चीज पूछेंगे बाद में, आगे फेस भी पढ़ाएंगे क्या होता है, फ्रंट साइड बहुत डाटा लेने और देने का वायर है ना। अब आइए यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, आगे पॉइंट समझिए, ये स्लॉट, कौन स्लॉट, मेमोरी स्लॉट, रैम स्लॉट। ये देखिए इसका नाम है सबसे, इसका नाम है चुप, इसका नाम है PCI स्लॉट, कौन स्लॉट, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लॉट है जी सर। ये स्लॉट क्या होता है, जो PCI स्लॉट होता है, 62 के दूना करोगे तो कितना होगा, दूना करेंगे तो 124 पिन का ये होता है, एग्जाम में आ जाता है PCI का फुल फॉर्म, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस, बोलो कंपोनेंट इंटरफेस या इंटरकनेक्ट, ये कितने पिन का होता है, 124 पिन का होता है। इस पे क्या होता है, एक ऐसा कार्ड है, इसका कभी यूज आप लोग देखे ही नहीं होंगे, देखे हो केवल एन कंप्यूटिंग में आप लोग देखे हो, जो एक कंप्यूटर से मैं कितना कंप्यूटर चलाता हूँ, 10 पाँच कंप्यूटर इससे जुड़ जाएगा, 5 इससे, तो एक मदरबोर्ड से कितने कंप्यूटर हम चलाते हैं, 10। तो इस पर कार्ड लगाते हैं, मान लीजिए कल के डेट में कोई पोर्ट इसमें खराब हो गया
तो उसका कार्ड इस पर लगा के, अगर कोई कह दिया टीवी लगाना है तो इस पर टीवी ट्यूनर कार्ड लगा दो, साउंड पोर्ट काम नहीं कर रहा तो साउंड कार्ड लगा दो, यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा तो यूएसबी पोर्ट आ गया। तो इसका नाम बोलो पीसीआई स्लॉट, बोलो पीसीआई स्लॉट। इस पे आल प्रकार के कार्ड लगाने के लिए होता है, ये देखिए ये दिया है पीसीआई एक्सप्रेस वन, इस पे लाइन कार्ड लगाने के लिए, अगर ये पोर्ट खराब हो जाएगा तो ये लाइन कार्ड। अब आज के जो जितने बोर्ड खरीदोगे, आज जितना बोर्ड खरीदोगे ना केवल यही आ रहा है, ये ग्राफिक कार्ड, कौन करा ग्राफिक कार्ड, ये जीपी स्लॉट या पीसीआई एक्सप्रेस 16, ये दोनों कार्ड पे क्या लग रहा है बच्चों, ग्राफिक कार्ड, क्या लगता है बाबू, ग्राफिक कार्ड होता है जो सबसे लेटेस्ट बोर्ड है, सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे गेम खेलने के लिए या वीडियो मिक्सिंग करने के लिए। तो जितने बोर्ड खरीदोगे ना लेटेस्ट में उस पे पीसीआई नहीं देगा, वो मंगवाना पड़ता ऑर्डर दे के, क्योंकि इसका यूज होता ही नहीं। और यही नॉर्मल अगर ये हट जाएगा तो इसका दाम 3000 हो जाएगा, ये लग जाएगा तो 4500 बोर्ड का हो जाएगा, केवल एक कार्ड का। तो इसका कार्ड का नाम समझ में आया, फिर समझो इसका नाम पीसीआई स्लॉट, कोई कार्ड लगाने, इसका नाम ग्राफिक कार्ड, पीसीआई एक्सप्रेस या एजीपी के नाम से आता है, यहाँ पे पीसीआई 16 लिखा है लेकिन इसी में किस नाम से आता है, एजीपी के। अब आइए ये आ गया, अब आइए हम थोड़ा सा आईसी के बारे में जानते हैं। ये देखो ये हो गया, देखो ये पीसीआई हो गया, ये सब देख लिए ना। अब देखिए इस पे बहुत सारे कनेक्टर दिए रहते हैं, क्या दिए रहते हैं, कनेक्टर। तो कनेक्टर बहुत जानना जरूरी है, एग्जाम में आता है, कनेक्टर या पोर्ट, बोलो इसका नाम कनेक्टर या पोर्ट। ये देखो जैसे हार्ड डिस्क जोड़ना हो तो हार्ड डिस्क दो प्रकार की आती है, एक पार्टा एक साटा, बहुत बोले, और एक यूएसबी, तो क्या हो गया तीन, मतलब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इंटरनल दो प्रकार की आती है, एक पाटा हार्ड डिस्क और एक। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है आईडी कनेक्टर, आईडीई कनेक्टर, ये जो होता है 40 पिन का होता है, कितने पिन का होता है, कितने पिन का होता है, ये देखो जी 40 पिन, कितने पिन का है, इस पे क्या होता है पाटा हार्ड डिस्क लगाने के लिए, कौन हार्ड डिस्क पाटा, जो 10 साल पहले बहुत ज़्यादा यूज होता, अब नए वाले बोर्ड पर देगा ही नहीं, देखो दिया ही नहीं, काहे नहीं दिया, क्योंकि उसका जमाना, तो नए बोर्ड पे ये क्या कहोगे, पाटा हार्डी जो होता है 40 पिन का होता है, खड़े हो जाओ, जिसमें ओल्ड मॉडल हार्डिस लगाने के लिए यूज होता है, ओल्ड मॉडल डिवरी राइटर होता है, इसका जमाना खत्म हो गया, इसलिए नए बोर्ड पे दे नहीं, तो आप कहोगे सर अब कहाँ लग रहा है, तो साटा पोर्ट, कौन पोर्ट, ये देखिए साटा वन साटा टू साटा थ्री साटा फोर, तो चार गो का मतलब चार गो हार्ड डिस्क लगा सकते, या चाहो तो दो हार्ड डिस्क दो गो डीवीडी राइटर, या तीन हार्ड डिस्क एक डीवीडी राइटर, और मर्जी आपके पास एक के हार्ड डिस्क है के यूज करो। तो आज किसी पे दो दिया होगा, देखिए यहाँ पे देखिए दो ही दिया, कहाँ दिया, कहाँ दिया, इसमें दो ही दिया, तो लोकल बोर्ड है चाइना बोर्ड है, दो ही ना दो देगा, एक में हार्ड डिस्क एक में डीवीडी, और इसमें लेटेस्ट है, देखो बढ़िया बोर्ड है, तो इसमें चार पोर्ट दिया। तो एग्जाम में आ जाता है साटा का फुल फॉर्म बताइए, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अटैचमेंट बोलो, इसका होता है पैलर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा का फुल फॉर्म बोलो, ये 40 पिन का होता है, ये 7 पिन का होता है, पाटा हार्ड डिस्क में पाटा डाटा केबल के द्वारा पाटा हार्ड डिस्क, पाटा डीवीडी राइटर, पाटा, ये जोड़ के हम बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पाटा, साटा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला साटा हार्ड डिस्क, इस समय यही यूज हो रहा है सीरियल पोर्ट। तो पोर्ट समझ में आ गया दोनों। अब कहोगे सर ये सबसे पुराना वाला क्या दिया है, ये FDD, ये पहले ज़माने में फ्लॉपी डिस्क लगती थी 10 साल पहले, आज इसको देखने को भी नहीं, तो इसको 34 पिन का होता है, ये कितने पिन का था, 40, ये कितने पिन का होता है, सब याद कर लीजिएगा, ये कितने पिन का होता है, 34 पिन का होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, पहले होता था, अब इसका ज़माना खत्म हो गया, बैकअप ले, तो ये दोनों अब नहीं देगा, अब केवल क्या देगा, अब ये भी हटा दिया, हाँ अब आ गया कि साटा की जगह पे यूएसबी हार्ड डिस्क आएगा, यहाँ जोड़ देंगे, तो पोर्ट समझ में आया। अगला इसी पे एक सॉकेट दिया है, इसका नाम है सीमोस बैटरी सॉकेट, नाम बोलो इसका नाम बोलो, इसमें क्या लगता है, यही सीमोस बैटरी लगता है,
ये खराब हो जाता है ना तो कभी कभी ऑन नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। ये ऑन अगर स्टार्ट हो गया ना तो आने नहीं होगा। अगर ये खराब हो जाएगा ना तो डेट टाइम आज सेट करोगे, जब तक चलेगा सही रहेगा, जब बंद करोगे डिस्टर्ब। तो इसका बहुत महत्व काम है। ये खराब हो जाएगा तो मदरबोर्ड को ऑन भी नहीं होता। इसका नाम है सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी 10 रुपये का, अब बनवाओगे तो 200 रुपये लोगे, 200 रुपया इसको कमा सकते। इसका नाम बोलो, फुल फॉर्म बोलो, सीमोस बैटरी। फुल फॉर्म बोलो सीमोस का, क्या करोगे भाई चराने लायक। इसका नाम है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ोगे? इसका फुल फॉर्म लिख लो ना, कॉम्प्लीमेंटली मेटल सीमोस, कॉम्प्लीमेंटली है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बोलो सीमोस का फुल फॉर्म बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कभी भूलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बैटरी होती है जो पावर देती है रोम बायोस को। किसको देती है? जो भी सेटिंग करते हो बायोस पे, पासवर्ड लगाते हो, जो भी सेटिंग करते हो, डेट टाइम सेट करते हो, सबको डेट टाइम को याद रखने वाला कौन होता है? यही जब बैटरी खराब हो जाएगी तो जब तक सप्लाई रहेगा, डेट टाइम सेट रहेगा, उसके बाद खराब होती है। इसका नाम है सीमोस बैटरी। इसको लगाने का तरीका, कोई बैटरी कहीं भी लग जाएगा, कंप्यूटर में किसी बोर्ड में लगा सकते हो। लगाने का तरीका देखो, ये ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस। इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे दबा दीजिए, कैसे भी लग जाएगा। आ गया? निकालने के लिए देखो, एक बार दबो निकल जाएगा, एक बार और दबोगे, चिमटी से पकड़ के उठा लोगे, दाब दोगे लग जाएगा। आ गया? अगला ये सीमोस बैटरी कनेक्टर हो गया। ये अब ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ATX। क्या है ATX? पूरे मदरबोर्ड पर पढ़े थे। ये है SMPS, पढ़े थे ना SMPS? SMPS एक ऐसी पावर सप्लाई होती है जो 220 वोल्ट AC लेती है और क्या देती है? DC। और ये DC किसको पावर देती है? सभी। तो ये जो 24 पिन का ATX कनेक्टर है, तो किसी में मदरबोर्ड में 20 पिन दिया होगा, किसी में 4। तो अगर निकल गया है तो 20 और 4 को क्या कर लोगे आपस में? लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे? नहीं लगा पा रहे क्योंकि उल्टा में लगा रहा था। सीधा करोगे अपने आप पॉइंट से मिल जाएगा। आगे ना देखो, 4 पिन का भी है और एक 24 पिन का भी। लग गया? और इसको इसी पे क्या कर दोगे तुम? सट घाट के मिला के लगा दो। अब ये क्या करेगा? पूरे मदरबोर्ड को पावर देना चालू हो जाएगा। तो इसका नाम है ATX पावर कनेक्टर। बोलो बात, इसका नाम ATX पावर कनेक्टर। अभी बता रहा हूँ चला, इसका नाम बोलो ATX पावर कनेक्टर। ATX का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडर। ये 24 पिन का भी होता है और 20। ये 20 पिन का कहाँ लगेगा समझ में आ गया? ये मदरबोर्ड पे दिया रहेगा ATX कनेक्टर, इसको होल से मिलाएंगे और यहाँ पे बता देंगे, बताएंगे इस पे मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए सबसे मेन सप्लाई होती है इसमें 13 और 14। याद रखिएगा, मदरबोर्ड इसी से ऑन होता है। कोई कन्फ्यूजन वाला? अब आइए तो लगा के बताते हैं कि अगर सबसे पहले ये लगाते हैं 24 पिन का ATX पावर कनेक्टर मदरबोर्ड पे। अब एक यहाँ पे 4 पिन का बैकअप होता है, ये देखिए 4 पिन का बैकअप। ये क्या होता है? प्रोसेसर को सप्लाई देता है, बैकअप देता है। ज़्यादा हीटिंग होता है तो प्रोसेसर को शॉर्ट रहेगा, मदरबोर्ड कहीं शॉर्ट रहेगा तो मदरबोर्ड को कहेगा मत चालू, ये फैन चलने देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 4 पिन बैकअप। ये प्रोसेसर को सप्लाई भी देता है और ये यहाँ पे लगता है। ये फॉल्ट में हम आगे बताएंगे कि अगर इसके पीछे, इसका नाम है BRM सेक्शन। कौन सेक्शन? BRM सेक्शन, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूलेटर सेक्शन। सबसे ज़्यादा इस मदरबोर्ड में केवल यही सेक्शन खराब होता है। इसकी हम एक एक चेक इन बताएंगे, कैसे जानेंगे। ये देखिए दो दो पिन का है ना, ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है और ये मेन मॉस्फेट है। ये मॉस्फेट है वालों, तीन चार मेन है तो 8 सपोर्टिंग होंगे, ठीक है। तो एक का दो कंट्रोलर, एक का दो, दो का दो, तो एक खराब हो जाएगा ना तो ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। हाँ, दूसरी बात, अगर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कंप्यूटर ऑन करोगे ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये 4 पिन का बैकअप निकाल दोगे तुरंत मदरबोर्ड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। दूसरी पॉइंट, लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगी। तो ये देखिए,
ये क्या होगा, फिर लगाओगे तो बंद हो जाएगा। तो इसमें हम बताएंगे कि यहाँ से 12 वोल्ट आता है, इस येलो पे कितना वोल्ट आता है बच्चों, 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट इस क्वाइल के पास जाता है, इस क्वाइल से कहाँ जाता है, मेन मॉस्फेट पे जाता है, और ये मॉस्फेट इसे कंट्रोल करके कैपेसिटर की सहायता से इसको सप्लाई देते हैं। तो अगर इस शॉर्ट हो जाएगा तो सप्लाई मिलेगी, तो जब सप्लाई नहीं मिलेगी डिस्प्ले आएगा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसके ख़राब हो जाने से तीन फॉल्ट आती है, पहला चल के बंद हो जाएगा, दूसरा मदरबोर्ड आने नहीं होगा, तीसरा डिस्प्ले नहीं। तो सबसे इस मदरबोर्ड में दुनिया की कोई भी अगर मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आती है केवल इतने दूर की आती है, पूरे मदरबोर्ड। और बहुत कभी कभी ज़्यादा फॉल्ट आ जाता है तो यही बायोस आईसी खराब हो जाती है। अब इससे भी ज़्यादा कोई भी फॉल्ट आती है तो एक चिप है, इस चिप को बदल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये आयो चिप, सुपर आयो चिप, ये आईसी है, चिप बोले या आईसी है, ये आयो चिप, ये वाला देखिए, ये निकाला गया। बाकी इस बोर्ड में आप कहोगे सर तब बाकी जो काम है, कहा है कि सब पे बहुत कम सिग्नल पे काम करते हैं तो खराब बहुत कम। सबसे ज़्यादा खराब होने वाला BRM से, तो इसका नाम बोलो ATX पावर कनेक्टर, इसका नाम 4 पिन बैकअप आ गया। आगे समझ में, अगली पॉइंट अब बात आ गई है कि सर ये भी बायोस, अब देखो फिर समझिए, इसका नाम है ATX पावर कनेक्टर 4 पिन बैकअप, ये क्वायल है, क्या नाम है इसका, क्वायल होता है, यहाँ से 12 वोल्ट निकलता है, क्वायल के पास जाता है, ये सब आपके मेन मॉस्फेट है, क्या बाबू, ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है, ये यहाँ से सप्लाई लेता है, BRM सेक्शन की सहायता से इसको 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, अब पावर को कोर वोल्टेज देता है, कौन वोल्टेज देता है, कोर वोल्टेज, कौन वोल्टेज, कोर वोल्टेज, याद रखिएगा कोर वोल्टेज। तो ये कैसे जानेंगे कि सेक्शन सही है, तो आप क्या करेंगे, इसको लगा देंगे, चालू करेंगे, अगर प्रोसेसर हीट हो रहा है तो ये सेक्शन क्या है, हट सही है, सही है, हीट हो रहा है, अगर प्रोसेसर हीट हल्का हल्का गर्म हो रहा है तो क्या है, सही है, अगर प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है या चल के बंद हो जा रहा है तो ये सेक्शन क्या है, खराब, और ये बैकअप निकाल दे रहा हूँ तो चलने लग रहा है तो ये खराब है, कोई कंफ्यूजन, तो ये हो गया। अब बोलिए, अब हम आईसी के बारे में समझते हैं, जो मेन मेन आईसी होती है, ये देखिए लिखा है लाइन, ये आईसी बहुत कम खराब, ये कब होगी कि यहाँ पे केबल लगा दिए लेकिन कंप्यूटर में काम नहीं करते, ये नहीं कि पहले आईसी मत बताएं, पहले लाइन का ड्राइवर लोड करोगे, क्या करोगे, लाइन ड्राइवर भी लोड कर दिए, ये नहीं कि तुरंत सर बता दिए लाइन आईसी है, लाइन ना चले, नेट ना चले, ढाई दो उखाड़ के फेंक दो, तो ऐसा कभी मत करना। ये कब, पहले लाइन, हो सकता है केबल खराब हो, केबल भी सही है, पोर्ट भी सही है, तो क्या बदलोगे, लाइन आईसी, तीस आईसी का नाम बोलो, लाइन आईसी। ये देखो, ये जब ऑडियो पोर्ट नहीं काम कर रहा, साउंड नहीं बज रहा, तब स्पीकरों तो खराब हो सकता है जी सर, फिर एयरफोन भी नहीं काम कर रहा, माइक भी काम नहीं कर रहा, तो ये पोर्ट में यहाँ पर ला के लगा दो, है ना, तो ये आईसी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये साउंड पोर्ट नहीं कर रहा, तो ये देखो इसका नाम है बायो, दो ही कंपनी के आती है, बायो और रियलटेक, दुनिया का अगर एग्जाम में आ जाए कि केवल साउंड आईसी कितने कंपनी की आती है बच्चों, दो कंपनी का, अरे ये नहीं मैं गलत बोल दिया, कई कंपनी की आती है लेकिन मेन दो ही कंपनी की आती है, कौन कौन, बायो और रियलटेक, जितने आप लोग अभी तक मदरबोर्ड देखे होंगे उसमें दो ही कंपनी की आती है, देखिए रियलटेक दिख रहा है कि नहीं, रियलटेक दिख रहे हैं, ऑडियो इंस्टॉल करते हैं तो रियलटेक, और ये देखो बायो, तो अगर आवाज़ नहीं आएगा तो ये दोनों आईसी को बदल दोगे, साउंड आईसी, कोई कन्फ्यूजन, ये देख लो साउंड आईसी, साउंड आईसी, ये कब बहुत कम खराब होते हैं रियल केस में, ये कब खराब ही नहीं होते हैं, अभी हम नहीं कर सकते हैं, अभी इसमें DJ जोड़ देते हैं खूब आवाज़ करो तो फट जाएगा इसी, तो होता भी है, लेकिन 100 में 5 को मदरबोर्ड में ख़राब होता है, ठीक, ये कौन है, DJ कोई बजाता नहीं है, आ गया, तो रियलटेक या बायो, ये देखो बायो, इसकी एक और पहचान होती है चमगादड़ बना होगा, क्या बना होगा, चमगादड़ इस आईसी पर बना रहता है, चलो मिट गया नहीं तो दिखा देते हैं, चाइना का पता, देखो साउंड आईसी हाँ बना है, देखो यही इसकी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान चमगादड़, देखो क्लिक करो,
जूम करो इसको, ये वाला, ये देखो ये ही इसकी पहचान है रियल टेप। जूम में सही नहीं आ रहा, आया ये कौन आईसी है? चमगादड़ आईसी। हट, साउंड आईसी सीधा करो, ये देखिए साउंड आईसी है ना, ये रियल टेक कंपनी का है, तो साउंड आईसी की पहचान देख लो। और एक सबसे बड़ी पहचान जो ऑडियो पोस्ट के पास में होगा है ना, ये मत कह देना चमगादड़ आईसी, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए जो साउंड पोर्ट, देखिए यहाँ पे किसके पास है, हेलो देखो किसके पास है, आइडियो। ये किसके पास है, आइडियो। ये किसके पास, एक सबसे बड़ी पहचान आ गया ना, अरे कहा यार कोने में ही होता है चमगादड़ आईसी, ठीक है। और यहीं पे ऑडियो पोर्ट भी होगा, जहाँ पे आईसी होती है वहीं पे कौन पोर्ट होगा, ऑडियो पोर्ट, जो आगे वाला फ्रंट वाला पढ़ाए थे ना, यह ऑडियो मतलब फ्रंट ऑडियो, फ्रंट ऑडियो जो आगे कंप्यूटर का ऑडियो आ गया, ये देखो, ठीक है बच्चों। अब आइए तो अब समझिए मदरबोर्ड में, अब जो नहीं आ रहा है अब यहीं पे समझिए, बाकी एक के दिन में नहीं ना सीखेंगे, एक घंटे से अब हो गया, तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहाँ पे देख लीजिए और कुछ पूछना है चमगादड़ आईसी के आगे हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए, हाँ एक चीज़ भूल ही गए, आइए जो मेन पॉइंट है यहीं पे, तो ये सब का नाम पोर्ट, इसका नाम स्लॉट, रैम स्लॉट, ये आइए ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये है ये कनेक्टर, ये क्या है सिस्टम फैन दिया है, क्या दिया है सिस्टम फैन। अब कहोगे सर इसको तो आप कभी यूज करके बताए थे, इसका बहुत कम यूज होता है, ये क्या हुआ कि मान लिया कोई एक और फैन लगाना है, अरे सीपीयू में यहीं पर लाके वो फैन लगा दो, हवा फेंकने लगे गर्म हो, मतलब पिछवा लगा रहा, लेकिन आज वो भी SMPSC से दे दिया जाता है, ये जमाना इसका खत्म। चलिए ये दिए क्लियर सिमोस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे पासवर्ड आप लोग लगा के भूल जाते हो तो हम बताए थे ना कि इसको निकाल के किस में लगाते हैं, दो और तीन में, फिर चालू करोगे मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा, फिर निकालोगे पासवर्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन आज बता दूँ कि जो नया बोर्ड आ रहा है ना उसमें पासवर्ड भी नहीं आप तोड़ सकते हो, उसके लिए बायोस आईसी को अपडेट करना पड़ेगा, चाहे भाई आईसी उखाड़ के हाँ दूसरी आईसी लगा दो, हाँ आ गया, वीडियो को तो आती होगी, सब में आता नहीं, मोबाइल में पासवर्ड लग जाता है, तो वही आईसी उसी मॉडल का लगाया तो नहीं होगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर मारा, अरे पैटर्न लाख लग जाता है सॉफ्टवेयर मारता ना, वही चीज़। अब भाई ये क्या है, USB पावर, हम चाहते हैं कि इस USB पोर्ट में पावर ना जाए, कोई पेन ड्राइव ला के फटाफट पेन ड्राइव लगा दे रहा, तो यही पे उठा के इसको इसमें लगा दोगे तो USB में पावर ही नहीं जाएगा, आ गई बात। या एक बायोस से भी बंद करना हम बताए थे, भूल गए हो, तो बायोस से भी बंद कर दोगे तो कोई पेन ड्राइव कीबोर्ड कोई भी आ रहा है तो कह रहा है गाना भर दो, तो बार बार कहोगे बाबू नहीं भरेंगे वायरस आएगा, तो आप क्या करोगे इसको बंद भी कर सकते, पकड़ी नहीं तेरे, पकड़ लो लगा लो बाबू तुम्हें भर लो, वो लगाएगा दो चार घंटा बैठेगा नहीं आएगा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कौन, ठीक है। अब आइए, और जब पैसा वो नहीं देगा तो उसका हार्ड डिस्क भी बंद कर दोगे वायरस, अब कहते हो हार्ड डिस्क लगाएगा लगने नहीं करेगा, ठीक, या नहीं तो बाद में बताएंगे वो, हम बताएंगे ना। ये देखिए दिया है फ्रंट USB, ये क्या होता है, इसमें फ्रंट USB दो दिया है, जिससे आगे वाला, अरे आगे नहीं होता तो फ्रंट पे लगाना हो। सबसे मेन जो पॉइंट था वही बताने वाले थे हम, ये वाला फ्रंट पैनल, कौन पैनल, EF पैनल, ये क्या होता है बाबू, जो आगे से रिस्टार्ट होला वो वाला, ये तो देखो यहाँ पे दिया भी रहता है रूल, तो जिसको क्या करोगे, जो ऊपर से दो पिन होगा वो पावर बटन होगा, नीचे वाला रिस्टार्ट बटन होगा, ये हार्ड डिस्क LED होगी, ये पावर LED होगी। और नहीं पहचान में आ रहा है तो यहाँ पे देखो रूल भी दिया हुआ, यहाँ पे जूम करो, यहाँ देखो, देखिए दिया ना पावर बटन, पावर के नीचे देखिए, पावर बटन के नीचे रिस्टार्ट बटन, ठीक है। ये देखिए ये दोनों पिन जो दिख रहे हैं ना, ये पावर बटन है, क्या बाबू, पावर बटन। अब पावर के जस्ट जो नीचे रिस्टार्ट बटन, ये पावर LED, ये हार्ड डिस्क LED, और ये जो होते हैं स्पीकर लगाने के लिए होता है, ये कौन स्पीकर बाबू, गाना वाला नहीं, बजर के लिए, बजर के। कोई फॉल्ट होगा ना तो बता देगा कौन पर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए केवल इतना ही दिया है, 8 ही पिन दिया, 9 पिन होता है इसमें, देखिए ये दो पिन है
ये पावर बटन है, कौन है बाबू? पावर है, नीचे रिस्टार्ट है। अरे ये रिस्टार्ट है, ये पावर एलईडी है, ये हार्ड एलईडी। तो एक एडवांस है, तो एक एडवांस रहता है, ये एडवांस होता है, इसको इसका कोई महत्व नहीं है। एनसी नॉट कनेक्टेड, ये भविष्य में यूज कर सकते, हिले दुले ना। तो दो दो पावर, अगर इसको जानना है तो पावर लगा लीजिए, चिमटी से स्टार्ट करिए, इसको ट्रिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ही सटाओगे तुरंत मदरबोर्ड क्या होगा? चलने लगेगा। हम मान करके दिखाएंगे। तो अब आइए, तो ये आप लोग पूरा हो गया सीमॉस बैटरी। और भी आईसी जो दी हुई हैं तो हम बताएंगे कि हर मदरबोर्ड पे, यहाँ देखिए इस मदरबोर्ड पे जो दिया है ये चिप होती है। ये तो हो गई आईसी, फिर समझिए इसपे, समझिए ये पोर्ट हो गया, ये मेमोरी स्लॉट हो गया, कनेक्ट हो गया। एग्जाम में आ जाता है कि मदरबोर्ड पे मेन कितने चिप होते हैं? तीन होते हैं, तीन होते हैं, एक ये चिप और एक ये चिप। तो इसको ये चिप वो मत बोलना, नॉट चिप और साउट साउट। इसका नाम है एमएससी चिप। कौन चिप? एमएससी। इसका नाम होता है पीआईएक्स चिप। इसका नाम है ग्राफिक चिप, जीएमसीएच चिप, जो इसको जीएमसीएच ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब, एमएससी चिप, एमएससी मेन सिस्टम कंट्रोलर चिप। और इसका नाम पीआईएक्स चिप, जो इसको कंट्रोल करता है। ये जो चिप होता है, आगे बताया जाएगा, ये इस आन वाले को, पोर्ट को, स्लॉट को, पीसीआई स्लॉट को, सीमोस बैटरी को जो कंट्रोल करता है, ये होता है। अगर ये चिप बहुत कम खराब होता है, ये जब चिप खराब हो जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर को भी कंट्रोल करता है, रैम को भी कंट्रोल करता है और पोर्ट को भी कंट्रोल करता है। खराब हो जाएगा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड खराब हो जाता है। ये देखिए, ये जो आईसी है ये क्रिस्टल लगा होता है, ये क्रिस्टल, ये खराब हो जाता है तो आन ही नहीं होता मदरबोर्ड। इसको दो मिनट बताएंगे, इसको नाम क्या है? आरटीसी क्रिस्टल। ये जो इसका नाम होता है, इसका नाम है क्लॉक जनरेटर आईसी। कौन आईसी? क्लॉक जनरेटर। क्लॉक जनरेटर आईसी, जो क्लॉक को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा भी, ये भी खराब हो सकता है, मे भी चांस, ठीक है। और ये सब जो होता है बीआरएम सेक्शन होता है। तो आप लोग ने जाना कि मदरबोर्ड क्या होता है, तो एक मेन बोर्ड होता है जिसपे सभी आईसी, सभी चिप, सभी प्रोसेसर लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। इसको एकदम डीपली पढ़ लोगे, बाकी और हम कल करेंगे, बंद कर दो। चमगादड़ आईसी।